ईशा सालियान की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस, पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हो चुका है। हाँ मतलब इसको क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी ये फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन के आधार पे ये पिटीशन लगाई है कि फ्रीवोला से टाइम पास है। मैंने कहा इतना छोटा स्टेटमेंट एफिडेविट में, वो भी हाईकोर्ट के सामने। आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मतलब जिनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हमने देखा कि बॉलीवुड के कई सारे लोग बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे थे, बड़े बड़े लोग बिल्कुल सामने निकल के नहीं आए, क्यों आखिरकार। और हाल ही में हमने देखा एक और बहुत बड़े कलाकार हम सबको छोड़ के चले गए, वहाँ पर हमने कई बड़े बड़े लोगों को जाते हुए देखा और कहीं ना कहीं यहाँ पर कम से कम बॉलीवुड के वो लोग तो इकट्ठे हुए जो उनको अपना मानते थे, क्योंकि सुशांत को शायद वो अपना नहीं मानते जो कहते थे कि वो हमारा ही जैसा है, हमारे साथ ही काम करता है। मामला क्या है पूरा आपको बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको याद होगा सुशांत केस जब हुआ था तो इंडस्ट्री शांत थी, इंडस्ट्री चुप थी और किसी ने बिल्कुल अपनी चुप्पी तोड़ी ही नहीं, और आखिरकार लोगों ने जब सवाल पूछे तो चुप्पी साध के वो साइड हो गए। और वहीं पर सुशांत के जाने के बाद कभी सुशांत का नाम लिया भी गया तब भी वो नहीं बोलते थे, बिल्कुल चुप रहते थे। अब कहा जाता है कि हाल ही में खबर निकल के आई कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही बड़े कलाकार थे जूनियर महमूद, जी हाँ, जिनको आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा, बहुत अच्छा किरदार निभाते थे और हाल ही में भी वो कई जगह पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनके घर हमने जाते हुए देखा जॉनी लीवर जी को, जितेंद्र जी को, और कहा जा रहा है कि कई कलाकार जो उनसे मिलने पहुँचे, और कहा जा रहा है कि उनकी उस सिचुएशन को देखकर वो रोने लग गए, कहीं ना कहीं आंखों से आंसू निकलने लग गए उन लोगों के, क्योंकि कहा जाता है कि जूनियर महमूद जो थे वो एक बेहतरीन कलाकार थे, 67 उनकी उम्र थी, और कहा जा रहा है कि उनको 4 स्टेज का कैंसर था, मतलब 4 स्टेज में पहुंच चुके थे कैंसर की, और कहा जा रहा है कि सुबह 2 बजे उनकी डेथ हो जाती है, और कई सारे कलाकार उनके घर जाते हैं और कहीं ना कहीं अंतिम यात्रा तक दिखाई देते हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को खोते हुए हमने देखा, पर मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री में कुछ ही लोगों को अपना मानते हैं। जूनियर महमूद जी को लोग अपना मानते थे तो लोग उनके अंतिम संस्कार से लेकर हर जगह तक पहुँचे, पर वहीं पर बात की जाए तो कई ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में सालों से काम करते हैं पर शायद उनको लगता है कि लोग हमें अपना समझ चुके हैं, पर एक्चुअली में हर इंसान को अपना नहीं समझता। वहाँ पर शायद सुशांत सिंह राजपूत भी सोचते हों कि इंडस्ट्री वाले उनको अपना समझते हैं, पर शायद अपना समझते तो शायद आवाज़ उठाते सुशांत के लिए, और शायद अंतिम यात्रा जब थी तब भी वहाँ दिखाई देते, और वहाँ पर भी मैक्सिमम लोग दिखाई नहीं दिए, चुनिंदा लोग दिखाई दिए जो उनके साथ काम कर चुके हैं फिल्मों में, वही लोग ज़्यादातर दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्री का ये रूप भी एक अलग तरीके से सामने निकल गया है कि जहाँ पर इंडस्ट्री जिनको अपना मानती है उन्हीं के साथ खड़ा होती है, और जिनको अपना नहीं मानती उनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती है, क्या कहना चाहेंगे आप। और वहीं पर जूनियर महमूद जी एक बेहतरीन कलाकार थे, पर फिलहाल वो हमारे बीच आज नहीं है, 67 की एज में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।